रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। रणबीर और आलिया 17 अप्रैल को शादी करने जा रहे हैं। इस बारे में अभी तक दोनों परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन शादी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। हालांकि कुछ चीजें हैं जो कन्फर्म हैं और धीरे धीरे सामने आ रही हैं। रणबीर और आलिया कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और फैंस बड़ी ही बेसब्री से उनकी शादी का इंतजार भी कर रहे हैं। हाल ही में नीतू कपूर से भी सवाल पूछ ही लिया गया था कि आखिर वो बहू को कब घर ला रही हैं। लेकिन अब नीतू कपूर का सपना पूरा होने वाला है। रणबीर और आलिया की शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी ई टाइम्स की एक रिपोर्ट में हाल ही में बताया गया था कि आलिया के नाना की आखिरी ख्वाहिश और तबीयत खराब के चलते जल्द शादी लेने का फैसला किया गया है। वेडिंग वेन्यू से लेकर मेहमानों की लिस्ट और रिसेप्शन तक को लेकर काफी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। यहाँ हम आपको रणबीर और आलिया की शादी से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी एक्टर की पुश्तैनी घर आर के बंगलों में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और आलिया काफी वक्त से अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और दोनों वेन्यू से जुड़ी हर डिटेल पर नजर रख रहे हैं। ई टाइम्स के मुताबिक आर के बंगलों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, साज सज्जा की तैयारी भी कर ली गई है। बता दें आलिया के साथ शादी करने से पहले रणबीर कपूर अपनी शानदार बैचलर पार्टी की भी प्लानिंग की है। बैचलर पार्टी में रणबीर के कई स्टार्स इन्वाइट किया है जिसमें कुछ नाम सामने आ चुके हैं। फैंस भी जानने को बेताब हैं कि आखिर रणबीर की बैचलर पार्टी में कौन कौन सी हस्ती धमाल मचाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बैचलर पार्टी में रणबीर के खास दोस्त अयान मुखर्जी के अलावा अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल होंगे। रणबीर के बचपन के दोस्त बैचलर पार्टी का हिस्सा होंगे। कहा जा रहा है कि रणबीर ये बैचलर पार्टी अपने घर पर ही रखेंगे। शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 13 तारीख को मेहंदी सेरेमनी होगी। मेहंदी से एक दिन पहले 12 अप्रैल तक आलिया फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग करेंगी। शादी की रस्में 3-4 दिनों तक चलती रहेंगी। बताया जा रहा है कि आलिया और रणबीर पंजाबी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। भले ही शादी को लेकर कपूर और भट्ट परिवार एकदम चुप है, लेकिन किसी न किसी तरह डिटेल धीरे धीरे सामने आ रही है। एक सोर्स ने ई टाइम्स को बताया कि अभी तक लोगों को शादी का फॉर्मल इनविटेशन नहीं भेजा गया है, पर उन्हें एडवांस में ही बता दिया गया है। कहा जा रहा है कि शादी बेहद आलीशान तरीके से होगी जिसमें करीब 450 मेहमान शामिल होंगे। रणबीर ने अपनी शादी में सभी टेक्नीशियंस को भी बुलाया है जिसके साथ उन्होंने अभी तक काम किया है। इसमें हेयर और मेकअप आर्टिस्टों से लेकर स्पॉट बॉय और असिस्टेंट तक भी शामिल होंगे। रणबीर और आलिया की शादी में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज का जो नाम सामने आया है उनमें अर्जुन कपूर, संजय लीला भंसाली, आकांक्षा और अनुष्का रंजन, वरुण धवन, नताशा दलाल, डिजाइनर मसाबा गुप्ता, शाहरुख खान और मनीष मल्होत्रा का नाम शामिल है। ऐसी चर्चा है कि रणबीर और आलिया की शादी में विकी कौशल, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण भी अपनी शादी में बुलाया गया है। भले ही रणबीर का दीपिका और कैटरीना के साथ पहले रिलेशनशिप रहा था, पर अब उनके बीच रिश्ते सुधर चुके हैं। दीपिका और रणबीर आज अच्छे दोस्त हैं, पर कैटरीना से रणबीर बचते ही रहे हैं। हाल ही में ऐसी खबर थी कि शादी के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वेडिंग रिसेप्शन भी रखेंगे जिसमें बॉलीवुड के कई हस्तियां शामिल होंगी, पर अब ऐसा प्लान नहीं है। शादी के बाद आलिया भट्ट करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की अगले शेड्यूल के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि करण जौहर रणवीर सिंह और आलिया के साथ इस फिल्म के एक गाने को स्विट्जरलैंड में शूट करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आलिया 7 से 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगी। हो सकता है कि तब रणबीर कपूर भी आलिया के साथ स्विट्जरलैंड जाएंगे। वैसे अभी तक इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।